हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ पे जाने की मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी। तो हम जा रहे हैं आज कैनेडाज वंडरलैंड, जो कि बहुत ही अच्छा है मैंने सुना है, और मेरी जाने की भी बहुत टाइम से इच्छा थी, बट हम नहीं जा पा रहे थे। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है कि हम आ चुके हैं कैनेडाज वंडरलैंड में। और यहाँ पे बाहर का ना कुछ भी खाने पीने का सामान ले आना अलाउड नहीं है, वहीं पे बाहर ही चेक करते हैं और निकाल देते हैं। तो अभी वो भी एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी, वो पता होना चाहिए। बस ऊपर ऊपर से वैसे ही रास्ते वास्ते से देखा था, मैंने कभी फ़ोटो वोटो भी नहीं देखी है वंडरलैंड कैसा होता है। तो अभी पहली बार देखेंगे हम कि कैसा है कनाडा का वंडरलैंड, और ये बाहर से ही मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो और आज तो हम बस ऐसे ही उठ के चले आए थे, वैसे ही प्लान था हमारा कि बस उठो और चल दो। तो काफ़ी अच्छा, यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी ले सकते थे थोड़े अच्छे से आए होते तो फिर हम तो ऐसे ही निकल के आ गए। और अभी जाते हैं, देखते हैं राइड्स वगैरह, क्योंकि आज हम फुल उसी मूड में आए थे कि बस हमें मतलब फ़ोटो वीडियो सब छोड़ो, आज बस इन्जॉय करना है। और यहाँ की वाइब भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे देखो ऐसे भी चीज़ें हैं, मतलब कि खुला खुला था, उतना भीड़ नहीं लग रहा था जब हम लोग गए थे। पता नहीं बाकी दिन में कितना भीड़ होता है, क्योंकि अगर बहुत भीड़ होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी ही इतने लोग नहीं दिख रहे, फिर भी राइड्स के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। तो फिर चलते हैं, पहले बच्चों का जुगाड़ करते हैं। बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और बड़ों के लिए भी। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि दो लोग बच्चों के साथ जाएँ, दो लोग बड़ों वाले झूले पर जाएँ। तो बारी बारी से हो जाएगा, बच्चों का भी हो जाएगा, अपना भी हो जाएगा। हेलो बेबी, इसको लेट स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट Oh,
कोई नहीं, सही है इसको सीधे बात सीधे। टर्न दैट साइड, यस यस, टर्न टर्न इट। उसको अभी मैं कौन है तू ये? वी आर वेरी अप। मैं कौन है तू ये? हम लोग क्या, हमको नीचे नहीं ले जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? टंगे रहेंगे। We are going to have a ride here. पहली राइड हो गई, अब चलते हैं। अब किधर जाना है? तो अभी हम इसके पहले गए थे ये जो स्पाइडर की तरह से गोल गोल घूम रहा है ना, ये वाले राइड पे, तो इस पर भी जाने के लिए काफ़ी भीड़ थी। जबकि ये कुछ ऐसा बहुत मज़ेदार भी नहीं था, अच्छा था वैसा टाइप का कि ऊपर से आप व्यू देख सकते हो पूरा, बहुत अच्छे से दिख रहा था, बट अलाउड नहीं था फ़ोन वोन ले जाना रिकॉर्डिंग करना, तो हमने नहीं किया। और अभी हम जाने वाले हैं ये यूकॉन स्ट्राइकर पे, जो कि बहुत ही मतलब ज़बरदस्त वाली राइड है। मतलब ये रोलर कोस्टर है एकदम ख़तरनाक वाला। तो यहाँ से स्टार्ट होता है और बहुत लंबा है ये, और इसमें ना 90 डिग्री से पूरा ऊपर से 245 फीट से नीचे गिराता है, तो वैसा कुछ है इस पर। और भाई 245 है या 243 है फीट ये हाइट इसकी, तो वहाँ से पूरा फ्री फॉल करा देता और ऐसे लटका देता है पूरा उल्टा, ऐसे देखते रहते हो नीचे ऐसे कि अब बस हम तो गए, तो वैसा वाला है, काफ़ी ख़तरनाक है। तो बस अब इस पे जाने के लिए हम लोग तैयार हैं, और हम यहाँ पे एक घंटे से ज़्यादा हो गया है हम लाइन में लगे हुए हैं, और अब जाके हम थोड़ा सा पास आए हैं, हमें अब दिखने लग गया है कि हाँ यहाँ से जाना है। सोच लो नॉर्मल, आज तो इतनी भीड़ दिख नहीं रही है, तो कितना यहाँ पे क्राउडेड होता होगा, बाप रे। Thank you.
इतना पास में पलट गई थी। चलो खिड़की लाने फिर से आ रहा है क्या? और यहाँ पे हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की बट सबका वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। मैंने जैसे बोला था कि बस फुल ऑन मस्ती करने जा रहे हैं हम लोग, वीडियोस वगैरह इतने नहीं उस चक्कर में रहेंगे कि वीडियोस बनाएं, क्योंकि पहली बार गए थे तो Thank you.
और इसके बाद हम लोग गए इसमें, हम लाइन में लगे हुए थे तभी कुछ अनाउंसमेंट होने लगी कि ये ठीक से चल नहीं रहा है या क्या, तो फिर भी हमारी हिम्मत देखी, हम फिर भी गए इस पे क्योंकि इन्होंने फिर ठीक कर दिया था, लेकिन फिर भी हमने सोचा था कि पहले कोई और चला जाए उसके बाद हम जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे क्योंकि तो कुछ जैम हो गया था या क्या हो गया था। और वैसे भी आजकल वंडरलैंड के जो राइड्स हैं ना उनका मतलब न्यूज़ में आते ही रहता है कि ये हुआ वो हुआ, फिर भी हमें लगा यार इतने देर से लाइन में लगे हुए हैं, चलो जान पे खेल के राइड पे बैठते हैं। और एक लोग बच्चों को देख रहे थे, साक्षी बच्चों को देख रही थी और हम तीनों गए जान की बाजी लगाने